हेलो फ्रेंड्स, पिक्की की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंडा पाव रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो देखिए, टमाटर लिया है दो मैंने, इसको कट कर लिया है। दो प्याज लिया, उसको भी कट कर लिया है। चार से पांच हरी मिर्च ली है, उसको बारीक काट लिया है। धनिया और भुजिया, एग लिए हैं और पाव लिए हैं चार मीडियम साइज़ के, चार पीस टमाटर और बाकी मैंने अनियन ली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चारों एग लिए थे वो मैंने तोड़ लिए हैं, उनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और तवा मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, तो वो गर्म हो रहा है। तो अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल वगैरह डालेंगे। रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल या आप घी का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। तो मैं इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मैं इसमें। आमलेट को हमें रिफाइंड ऑयल में आराम से मंदी आँच में पकाना है। अब हम इसको फैला देते हैं क्योंकि तवा हमारा सूखा है, कहीं कहीं पर ऑयल नहीं होगा तो ऑमलेट हमारा चिपकने लगेगा। तो इस तरीके से मैं इसको फैला देती हूँ। आप इसको टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में या शाम को 4 बजे कभी भी ले सकते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी नाश्ता है और बहुत जल्दी बन जाता है ये। देखिए मैं डाल रही हूँ, इस तरीके से डाल करके मंदी आंच में हमको इसको पका लेना है। देखिए पकने भी लगा है क्योंकि मंदी आँच में ऑमलेट बहुत जल्दी बन जाता है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को मैं अच्छे से डाल रही हूँ। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर डाल दिया है मैंने और अब मैं इसमें डालूँगी धनिया पत्ता। धनिया पत्ता भी डाल दिया है। हमको इसको एक साइड से ही पकाना है। और नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला और इसको मंदी आँच में ही बिल्कुल लो फ्लेम पर हमको इसको पकाना है। थोड़ा सा मैं इसको हटा देती हूँ अपनी जगह से थोड़ा सा, ताकि ये लगे ना। तो इसी तरीके से हमें इसको मंदी आंच में पका लेना है। ये देखिए पकने लगा है। अब हम थोड़ा सा ये सब्जियाँ भी जो हमारी पक गई हैं थोड़ा सा दबा देते हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ऑमलेट हमारा। तो इसी तरीके से इसको हम आराम से मंदी आँच में 2 से 3 मिनट में पक जाता है ये। अब मैं इसको बीच में से, देखिए ऑयल छोड़ने लगा है, ये वाइट वाइट दिखने लगा है चारों तरफ से। अब मैं इसको 4 पीस में कट कर लूँगी। देखिए मैंने 4 पीस में इसको कट कर लिया। प्लेट में मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब पाव लिए हैं मैंने, पाव को 4 हिस्सों में बांट लिया है। अब हम इसको चाकू की हेल्प से बीच में से ऐसे कट करेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसमें कट करेंगे। देखिए ऐसे, इस तरीके से मैं सारे पाव को कट कर लूँगी। ये चारों हैं, उनको इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था, ऑमलेट तैयार किया था, उसको अंदर स्टफिंग करेंगे, इसमें भरेंगे। तो देखिए चारों पीस में से एक एक पीस को उठाइएगा, इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा और इस तरीके से इसमें अंदर रख दीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पीस और जो प्याज हमने ली थी वो रखेंगे इस तरीके से, और धनिया पत्ता और नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे हम इसमें। नमक डाल रही हूँ मैं। और अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला हमने लिया था वो। चाट मसाले की जगह हम आमचूर मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम, मैं दूसरी भर लेती हूँ और सारी मैं इसी तरीके से भर लूँगी। पूरा अच्छे से इसको अच्छे तरीके से ऐसे करके भर के रख लूँगी। देखिए लास्ट बची है मेरी, इसी तरीके से एक एक पीस टमाटर का, एक एक दो तीन तीन प्याज, धनिया पत्ता, नमक और आमचूर पाउडर, इसी तरीके से मैं भर करके रख लूँगी। अब हमको इनको तवे पर जो है सेकना है अच्छे तरीके से। तो चलिए गैस ऑन कर देते हैं। अब हम इसमें घी लगा लेते हैं तवे में। तवे में घी लगाने के बाद उसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। और अब इस पर हम, ये देखिए गर्म हो गया है। अब जो हमने पाव की स्टफिंग की थी, जो भरे हुए थे, वो हम इस पर रख देंगे। तो इस तरीके से मैं रख देती हूँ। आँच को थोड़ा सा मीडियम पे ही रखना है हमको, बिल्कुल लो नहीं रखना है। और थोड़ा सा करकरा से हमको इसको सेकना है, ऐसे घुमाते हुए हल्के तरीके से, ताकि एक तरफ से लगे ना। इस तरीके से हमको इसको सेक लेना है। और अब हम इसको पलटेंगे। लगभग सीख गया होगा, 2 मिनट में लगभग सीख जाता है। तो ये देखिए सीख गया है मेरा एक तरफ से। अब मैं इसको ऐसे करके आराम से, क्योंकि गर्म हो जाता है, पलटेंगे और हल्का सा दबाएंगे, क्योंकि पाव जो है मीडियम साइज़ का है और उसमें स्टफिंग ज़्यादा है। तो इसी तरीके से पाव जब भी बनाते हैं तो थोड़ा स्टफिंग ज़्यादा होती है उसमें, तभी टेस्टी लगता है खाने में, वरना ब्रेड का जो है स्वाद आता है पाव का। तो इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी इसको सेक लूँगी। इस तरीके से आप बनाइएगा। देखिए घी लगा रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर, और इससे क्या होता है, पाव हमारा काफ़ी टाइम तक जो है नरम बना रहता है
और बहुत अच्छा भी लगता है ये खाने में। आप इसको पैक करके आराम से रखिएगा, कहीं पिकनिक मनाने जाएँ वहाँ पर कहीं भी जाइएगा। तो इस तरीके से मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए कितना टेस्टी और देखने में भी बहुत अच्छा बना है, मार्केट से भी अच्छा। आप इस तरीके से बनाइएगा। अब हम इसको थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर केचप। टमाटर केचप देखिए इस तरीके से आप डाल लीजिएगा। तो मैंने चारों के ऊपर डाल लिया है इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो टमाटर था हमारा, वो टमाटर भी मैंने डाल लिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें अनियन जो हमने कट की थी वो, और अब हम धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। धनिया पत्ता मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए अब हमारा लास्ट बचा है आलू भुजिया, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए कितना टेस्टी और यम्मी दिख रहा है, खाने में भी लाजवाब है। चाट मसाला मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप चाहें तो अदर मसाले भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। नमक भी थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ। और देखिए खाने के लिए तैयार है। आइए और खाइए और बताइए कैसे लगे हैं। आप लोग भी बनाइएगा इस तरीके से। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए उठाने में भी कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह दिख रहा है। थैंक यू।